नमस्कार। हिंदी साहित्य विषयक व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे रीतिमुक्त काव्य धारा अर्थात स्वच्छंद काव्य धारा इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण कवि बोधा और ठाकुर उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर उनके प्रदेय पर हिंदी साहित्य के इतिहास को इतिहासकारों ने चार कालखंडों में विभक्त किया है प्रथम कालखंड आदिकाल या वीरगाथा काल कहलाता है द्वितीय कालखंड भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है तीसरा कालखंड रीतिकाल के नाम से या श्रृंगार काल के नाम से जाना जाता है और चौथा कालखंड आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है आज हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे कालखंड की एक धारा पर क्योंकि रीतिकाल का जो समय है वह संबत 1700 से 1900 तक माना जाता है लगभग 200 वर्ष के कार्यकाल में समयावधि में इस विचार की इस प्रवृत्ति की कविता प्रचुर मात्रा में लिखी गई किंतु रीतिकाल को भी जब प्रवृत्ति और प्रवृत्तियों के वैशिष्ट के आधार पर वर्गीकृत किया गया तो बहुत से चिंतकों विचारकों ने इतिहासकारों ने रीतिकाल को मुख्य रूप से चार वर्गों में बांट दिया एक जिसे हम रीति काव्य कहते हैं ये वो कवि हैं जिन्होंने रीति एक रचना पद्धति है उसका अनुसरण करते हुए निरूपण का काव्य लिखा यानी शास्त्रीय ग्रंथों का सृजन किया जिसमें संस्कृत के शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद निर्मित ब्रजभाषा में वो ग्रंथ हैं जो राजाज्ञा से लिखे गए आशयदाताओं की संतुष्टि के लिए कवि शिक्षक की भूमिका निभाते हुए इन आचार्य कवियों ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन किया शासक आशयदाता जो कवियों की वाहवाही को देखकर स्वयं कवि बनना चाहते थे कविता लिखना चाहते थे उन्हें काव्य शिक्षण देने के लिए काव्यांगों का बोध कराने के लिए अलंकार छंद रस काव्य गुण काव्य दोष शब्द शक्ति लय विधान तुक विधान नायक भेद नायिका भेद इन सब की विस्तृत भेद उपभेद सहित लक्षण उदाहरण सहित प्रस्तुति करने का काम इन रीति कवियों ने किया कुछ लोग इन्हें रीतिबद्ध कवि भी कहते हैं लेकिन रीति अपने आप में एक बंधन है इसलिए रीति कवि पहला वर्ग है रीतिकालीन काव्य का इस रीतिकालीन रीति काव्य में भी तीन प्रकार के आचार्य मिले जिन्होंने सभी अंगों का काव्य के समस्त अंगों का निरूपण किया लक्षण उदाहरण दिए उनको सर्वांग निरूपक कहा गया जिन्होंने सभी का निरूपण न करके अपनी अभिरुचि और गति के आधार पर कुछ अंगों का वर्णन किया कुछ को छोड़ दिया उन्हें विविधांग निरूपक आचार्य कहा गया और तीसरा वर्ग उनका था जिन्होंने केवल एक वर्ग एक काव्य के अंग को जैसे अलंकारवादी रसवादी ध्वनिवादी आचार्य उस पर अधिक बल दिया इसलिए उन्हें एकांग निरूपक आचार्य कहा गया तो रीति काव्य में तीन प्रकार के आचार्य मिलते हैं सर्वांग निरूपक विविधांग निरूपक एकांग निरूपक दूसरी धारा रीति सिद्ध काव्य धारा है जिसके प्रवर्तक बिहारी हैं कविवर बिहारी लाल जो अपनी सच्सई के कारण बहुत ख्याति लब्ध है प्रतिष्ठा है उसमें एक ही कवि विशेष रूप से है लेकिन कुछ अन्य कवियों ने भी रीति सिद्ध की इस अवधारणा को ध्यान में रखकर काव्य सृजन किया यानी लक्षणों को अपने मनोमस्तिष्क में रखा लेकिन उनको व्याख्यात नहीं किया प्रस्तुत नहीं किया विवेचित नहीं किया उनके आधार पर उदाहरणों का सृजन किया बिहारी में अनेक ऐसे उदाहरण दोहों में क्योंकि सत्सई दोहों की रचना है उसमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं तो रीति सिद्ध में बिहारी का नाम विशेष रूप से प्रवर्तक के रूप में लिया जाता है रीति कवियों में देव पद्माकर, श्रीपति कुलपति चिंतामणि केशव भूषण आदि सोमनाथ कालिदास त्रिवेदी आदि इनका नाम लिया जाता अन्ने अन्ने कभी, कभी है अन्य भी अनेक कवि आचार्य कवि वहाँ हैं तीसरी धारा रीतिमुक्त काव्य धारा है जिस पर आज हम मुख्य रूप से बात भी करेंगे और बोधा और ठाकुर के संदर्भ में इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे रीतिमुक्त का अर्थ ही है रीति से जिन्होंने जिन कवियों ने अपने को सायास मुक्त रखने का प्रयत्न किया स्वच्छंद इसलिए भी कहा जाता है कि स्व का मतलब निज अपना छंद का मतलब बंध बंधन तो जो केवल अपने बंध को या बंधन को स्वीकार करते हैं बाह्य किसी भी सामाजिक नैतिक सांस्कृतिक या अन्य कोई उन बंधनों को जो शास्त्र के बंधन है जो कविता के लेखन की परिपाटी के बंधन है उन्हें वो स्वीकार नहीं करते इसलिए वो स्वच्छंद हैं और रीति से मुक्त अपने को रखने का प्रयत्न करते हैं ये निजी व्यक्तिगत प्रेम की पीड़ा के की वेदना के की पीर की कवित, कविता के कवि माने जाते हैं इन्होंने भी ब्रजभाषा में रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने ब्रजभाषा में ही काव्य सृजन किया क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदी बेल्ट हो हिंदी क्षेत्र हो या हिंदी इतर क्षेत्र सब में कविता की भाषा ब्रजभाषा बन गई थी इसलिए हिमाचल में भी पंजाब में भी राजस्थान में भी हरियाणा में भी और दूसरे राज्यों में भी ब्रजभाषा में प्रचुर मात्रा में काव्य सृजन होता रहा इसमें घनानंद बोधा आलम ठाकुर और द्विजदेव ये पांच कवि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। घनानंद इस धारा के प्रवर्तक हैं और बोधा और ठाकुर पर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे भी चौथी रीतिकाल की रीतिकालीन काव्य की चौथी धारा रीति इतर काव्य धारा है जिसमें वो कवि आते हैं जिन्होंने शास्त्र के निरूपण ग्रंथों का सृजन नहीं किया रचना पद्धति का उस तरह से अनुसरण नहीं किया कि राजाज्ञा को ध्यान में रखकर राजा की अभिरुचि को ध्यान में रखकर कविता करें उन्होंने नीति काव्य भक्ति काव्य श्रृंगार काव्य यदि इन सब में कुछ अपनी अपना दखल दिखाया तो उस रीति काव्य या रीति सिद्ध काव्य की परिपाटी से अलग रखते हुए जिसमें गुरु गोविंद सिंह भक्ति की कविता करते हैं रज्जा बली संत कवि हैं इसी तरह अनुराग बांसुरी हमीर हट ऐसी बहुत सी रचनाएं हमें सूफी काव्य की वीर काव्य की नीति काव्य की धार्मिक साहित्य की अध्यात्म की ऐसी बहुत सी रचनाएं हमें मिलती हैं जो रीति इतर रीति से परे रीति से नितांत विलग रह रहकर कविता करने वाले कवि थे और हिंदी साहित्य के इतिहास की चौथी काव्यधारा आधुनिक काल है जिस पर विस्तार से हम चर्चा अलग अलग करते रहे तो आज हम रीतिमुक्त काव्य धारा अर्थात स्वच्छंद काव्यधारा के दो महत्वपूर्ण कवि बोधा और ठाकुर पर करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को संबत् 1700 से संबत 1900 तक का समय देते हुए वर्गीकृत किया अर्थात सन 1643 से सन 1843 तक का समय है इसके बाद फिर आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है रीति काव्य सर्वांग निरूपक यानी काव्यांग निरूपण कविता के अनेक अंग रसचंद अलंकार तो है ही शब्द शक्ति काव्य गुण काव्य दोष या नायक नायिका भेद नायक भेद आदि आदि उन सर्वांग निरूपण विविधांग निरूपण और एकांग निरूपण की इस परिपाटी में बहुत से प्रतिष्ठित विश्व स्तरीय कवि ब्रजभाषा में हमें मिलते हैं केशव जो रीतकाल के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं केशव और चिंतामणि में किसको प्रवर्तन दिया गया दिया जाए किसको प्रवर्तक माने इस पर चर्चा परिचर्चा होती है लेकिन अधिकांश विद्वान केशव के पक्ष में हैं और केशव ने कविता कैसे लिखी जाए काव्य के अंग क्या हैं काव्य सृजन की प्रक्रिया पद्धति कैसे तय हो इसके लिए कवि प्रिया और रसिक प्रिया जैसे ग्रंथ लिखे और यों केशव एक बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्यात्मक रचना रामचंद्रिका के भी सृजक हैं केशव ने अध्यात्म भक्ति दर्शन इन सब पर लिखा लेकिन शास्त्र निरूपण के वो दोनों ग्रंथ कवि प्रिया और रसिक प्रिया वो कवियों के लिए एक प्रकार से शास्त्र की सैद्धांतिकी के रूप में उपस्थित हुए चिंतामणि कुलपति श्रीपति देव मतिराम पद्माकर सोमनाथ भूषण अमीरदास आदि ये सब इसी धारा के कवि हैं रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं रीतिमुक्त कवि घनानंद बोधा ठाकुर आलम द्विजदेव ये कवि हैं जिनकी चर्चा हमने पहले की भी है रीति इथर काव्यों में कवियों में रज्जाबली गुरुगोबिंद सिंह दीनदयाल गिरी घाघ भड्डरी बेताल जोधराज आदि इनकी गणना की जाती है रीतिमुक्त कवि जिस प्रकार की कविता करते हैं उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भाव और कला दोनों में वो स्वच्छता के पक्षधर रहे हैं वो किसी राजसी अभिरुचि के अनुसार कविता करें ऐसा नहीं है वो तो व्यक्तिगत निजी प्रेम की अनुभूतियों को और अपने नायक या नायिका को कविता में उतारते हैं इसलिए भाव की दृष्टि से यानी संवेदना की दृष्टि से और कला की यानी अभिव्यक्ति की दृष्टि से तो अभिव्यक्ति कौशल भी विलक्षण है चाहे वो अप्रस्तुत विधान हो अलंकारिक आलंकारिक सौंदर्य हो ब्रजभाषा के तमाम अंग उपांगों का रचनात्मक प्रयोग अनुप्रयोग हो सब में वो स्वच्छंदता का परिचय देते हैं यूं ये श्रृंगार काव्य के भी रचयिता है इन्होंने श्रृंगार के संयोग और वियोग के भी पद प्रचुर मात्रा में लिखे हैं एक तो रीतिकाल की प्रवृत्ति मुख्य श्रृंगार थी इसीलिए उसे श्रृंगार भी हैं बहुत से आलोचक, बहुत से से आलोचक इतिहासविद श्रृंगार के संयोग और वियोग दो पक्ष हैं और दोनों पर प्रचुर मात्रा में इन कवियों ने लिखा है संयोग के क्षणों की स्मृतियां और वियोग की वर्तमान स्थिति और उसकी वेदना क्योंकि ये रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि प्रेमी कवि हैं इसलिए इनकी प्रेम व्यंजना इनको एक वैशिष्ट प्रदान करती है और प्रेम की परख या कसौटी विरह है हम जानते हैं इसीलिए वियोग के बारे में ये कहा भी गया वियोगी होगा पहला कवि आ उपजा होगा गान उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान पर जिस राजा के राजाशय में ये कवि रहते थे उसकी अभिरुचि को ध्यान में रखकर कविता करने के पक्षधर ये नहीं थे ये तो प्रेम के चितेरे कवि थे और अपने प्रेम की अनुभूतिजन्य अभिव्यक्ति ये इनका गौरव था इसलिए जब इनका मन होता था तो ये और ये सौंदर्य के भी कवि हैं इन्होंने नायिका के नख से शिख तक अंग प्रत्यंग का सौंदर्य परक चित्रण भी किया प्रकृति का चित्रण भी प्रकृति की रचनात्मक स्थिति क्या है उसकी रचनात्मक भूमिका क्या है इस पर भी विस्तार से ये लिखते हैं तो संयोग और वियोग के चित्र प्रकृति के चित्र प्रेम की सूक्ष्म अनुभूतियों के चित्र कविता में चमत्कार के माध्यम से बहुत सी महत्वपूर्ण बिंदुओं को पक्षों को ये उद्घाटित भी करते हैं आलंकारिकता का कविता में यथासंभव प्रयोग भी करते हैं छांदिक सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो कवित्त सवैये और दोहे आदि में इनकी सिद्धस्तता असंदिग्ध दिखाई देती है अच्छा लगता है कि भाषा इनकी इनके संकेतों पर आगे बढ़ती है और इसीलिए घनानंद जैसे कभी तो यहाँ तक कहते हैं कि और कभी रीझें तो कविताई नहीं तो राधिका कनाई सुमिरन को बहाना यह बात भिखारीदास ने जब कही थी तो उससे ये पता लगता था कि वो श्रृंगार की और प्रेम की कविता जब करते हैं तो उसमें कृष्ण और राधा का नाम लाकर बहाना बनाते हैं लेकिन घनानंद ऐसा नहीं करते रीतिमुक्त कवि ऐसा नहीं करते वो तो डंके की चोट पर अपने प्रिय पात्र को अपने आलंबन को याद करते हैं इसलिए घनानंद कहते हैं कि लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहि तो मोरे कवित्त बनावत लोग तो कविता लिखने में छंद निर्मित करने में लगे हैं लेकिन मेरे छंद मेरी कविता तो मेरा निर्माण कर रही है इसलिए इनकी कविता में एक ईमानदारी तो है आचार्य शुक्ल ने तो यहाँ तक कहा कि ये किराए के टकसाली आंसू बहाने वाले कवि नहीं हैं ये इनकी व्यक्तिगत जन्य, विरह जन्य वेदना है जिसको ये कविता में निबद्ध करते हैं बांधते हैं और बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करते हुए अभिभूत करते हैं चाहे घरानंद हो, चाहे बोधा हो, ठाकुर हो, आलम हो, द्विजदेव हो, सब ने अपनी अपनी एक विशिष्ट पहचान तो बनाई है क्योंकि ये राजाश्रय में रहते हुए भी राजा को तुष्ट करने के लिए कविता नहीं करते आत्मतोष के लिए ये कविता का सहारा लेते हैं रीति या शास्त्र जिसे बंधन कहा जाता है जो काव्य की रूढ़ियों और रीतियों का रचनात्मक उपयोग करते हुए कविता करते रहे शास्त्रीय बंधनों को स्वीकार करते रहे और रचना की एक परिपाटी और पद्धति का अनुसरण करते रहे उन रीति कवियों से नितांत भिन्न अलग रहकर इस रीति मुक्त या रीति स्वचंद काव्य धारा ने इसके सभी कवियों ने शास्त्रीय बंधनों को तोड़ने का उनसे यथा संभव स्वतंत्र रहने का प्रयत्न और प्रयास इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से किया और प्रचुर मात्रा में काव्य सृजन किया इन पांचों कवियों की रचनावलियां भी प्रकाशित हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहे थे उन्नीस के आसपास की बात है तो उन्होंने इस बात पर वर्गीकरण और विभाजन करते हुए जब उनसे पूछा गया कि यदि हम उसे रीति काव्य कहें तो रीति स्वच्छंद कवि या रीति स्वच्छंद काव्य धारा का क्या होगा वो कहाँ रहेगी उस समय क्योंकि शुक्ल जी के सामने रीतिमुक्त कवियों या स्वच्छंद कवियों की रचनावलियां ग्रंथावलियाँ नहीं थी कुछ कुछ छंद दो दो चार चार दस दस छंद थे उसके आधार पर उन्होंने काव्य नाम दे दिया और इन कवियों के और इनके काव्य के विषय में कहा कि इनको फुटकल खाते में रखा जा सकता है लेकिन आज की स्थिति यह है कि पांचों कवियों की ग्रंथावलियां प्रकाशित हैं और अच्छी खासी संख्या में उनके काव्य ग्रंथ मिलते हैं इसलिए उन्हें फुटकल खाते में रखने वाली बात तो गलत सिद्ध होती है इसलिए यह काव्यधारा एक स्वतंत्र महत्वपूर्ण काव्यधारा है जो भारतीय प्रेम को उद्घाटित करती है एक निष्ठ समर्पित प्रेम को हमारे सामने व्याख्यायित करती है इन कवियों ने स्वानुभूत प्रेम की उमंग से अपने को आप्लावित किया सराबोर किया और प्रेम के चितेरे कवि के रूप में अपनी पहचान बनाई पांचों कवि प्रेमी कवि है इसलिए काव्य की जो पारंपरिक रूढ़ियां थी कविता की जो प्रसिद्धियां थी जो एक रचना की परिपाटी विशेष बन गई थी कि पहले छंद का अलंकार का नायक भेद नायिका भेद का लक्षण देना है और ये लक्षण संस्कृत के मानक ग्रंथों के आधार पर उनका अध्ययन करके कुल मिलाकर उनका लगभग भावानुवाद करके प्रस्तुत किया गया था लेकिन उन परिपाटियों को उन रूडियों को, इन रीतिमुक्त कवियों ने तोड़ने का प्रयत्न किया सायास उनसे अलग रहने का प्रयत्न किया और बेबाकी से निडरता से इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपनी काव्य कला का काव्य कौशल का, का परिचय भी दिया वस्तुतः स्व छंद का अर्थ ही है जो अपने छंद छंद का अर्थ बंधन है जो कविता को बांधता है वही छंद है जो अपने छंद को यानी अपने बंधन को स्वीकार करते हैं वही स्वच्छंद कवि कहलाते हैं ये रीतिमुक्त या स्वच्छंद कवि कभी, शास्त्रीय कवियों की तरह शास्त्र निबद्ध कविता करने वाले आचार्य कवि निरूपक कवि उनकी तरह रस छंद अलंकार नायक भेद नायिका भेद काव्य गुण काव्य दोष शब शक्ति तुक वर्णन आदि इनके न तो लक्षण देते हैं और न उनको ध्यान में रखकर उदाहरण देते हैं न उनके भेद उपभेद आदि की चर्चा परिचर्चा करते हैं इसका मतलब है कि इन्होंने काव्य की अपनी एक अलग शैली अपनाई अपना एक अलग मार्ग बनाया और उस पारंपरिक शास्त्रीय मार्ग से अपने को अलग रखा विलग रखा एक तरह से सायास उसका विरोध भी किया इसलिए ठाकुर कवि या बोधा कवि तो बीच बीच में जहां अवसर आता है वहां रीति कवियों पर व्यंग्य भी करते हैं सीख लीनो मीन मृग खंजन नयन लोगन कवित्व की खेल करी जानो है लोगों ने कविता करना खेल मान लिया कविता कोई इतनी खेल की वस्तु नहीं है इसका मतलब कविता के लिए एक सात्विक सहज अनुभूति चाहिए ईमानदारी चाहिए अनुभूति जन्य अभिव्यक्ति का साहस चाहिए वह कृत्रिम नहीं होनी चाहिए कविता यह इनकी मान्यता रही है रीति कवि वस्तुतः कवि शिक्षक की भूमिका में थे दरबार में आश्रित थे राजाज्ञा का अनुपालन उनकी व्यवस्था थी राजाओं को कविता लिखनी सिखानी थी इसलिए उन्होंने शास्त्रीय ग्रंथों का सृजन किया लक्षण उदाहरण आदि के साथ फिर उससे कवि शिक्षक की भूमिका निभाते हुए राजा महाराजाओं को आश्रयदाताओं को उनकी प्रेयसियों को भी कविता कैसे लिखी जाए इसकी शिक्षा दी पर मुक्त कवि प्रेम और प्रकृति के उपासक थे प्रेम और प्रकृति की कविता के ईमानदारी से सृजक बने हिंदी का प्रथम स्वच्छंद कवि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास पर यदि दृष्टि डालें तो स्वच्छंदता की प्रवृत्ति क्या है स्वच्छंदता के लक्षण क्या हैं यदि उनको ध्यान में रखकर हम बात करें तो कह सकते हैं कि भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि रसखान ही पहले स्वच्छंद कवि हिंदी के माने जा सकते हैं उनकी कविता में वो स्वच्छंदता के सभी लक्षण प्रतिबिंबित होते हैं उद्घाटित होते हैं काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ छीन के ले गए रोटी ये जो चेतना है ये जो सोच है ये जो दृष्टि है ये वास्तव में रसखान की कविता के वैशिष्ट को उद्घाटित करती है कृष्ण भक्त कवि थे लेकिन ब्रजभाषा पर आधिकारिक ज्ञान था वह स्वच्छंदता की वृत्ति द्विवेदी युगीन काव्य में और छायावादी काव्य में भी कहीं कहीं विद्यमान थी लेकिन छायावाद में यह मुखर हो जाती है यह जो रीति स्वच्छंद या स्वच्छंद काव्य धारा की प्रवृत्ति है यह रोमांटिसिज्म की तर्ज पर छायावादी कविता में हमें फिर से उद्घाटित होती हुई दिखाई देती है इसलिए उस धारा को भी हम स्वच्छंदता की धारा के रूप में देखते हैं छायावादी कविता के प्रवर्तक प्रसाद हैं महादेवी पंत निराला ये चार आधार स्तंभ माने जाते हैं आधुनिक युग के प्रमुख स्वच्छतावादी कवियों में छायावादोत्तर कवियों की बात करें तो उनमें माखनलाल चतुर्वेदी सियाराम शरण गुप्त बालकृष्ण शर्मा नवीन सुभद्रा कुमारी चौहान रामधारी सिंह दिनकर हरिवंश राय बच्चन आदि का नाम भी उल्लेखनीय है इन्होंने भी यत्र तत्र अपने ग्रंथों में अपनी कविताओं में स्वच्छंदता की प्रवृत्ति को आत्मसात किया जहां कहीं अवसर मिला उस स्वच्छंद काव्य धारा की विशेषताओं को आत्मसात करते हुए काव्य सृजन करने का प्रयत्न किया इस तरह ये शास्त्र के ज्ञाता किंतु उसका विरोध करते रहे इन्होंने शास्त्र के बंधन में अपने को बांधने निबद्ध करने से अपने को बचाया और स्वच्छंद रूप से सृजन के पक्षधर बने सायास जानबूझकर उन पारंपरिक काव्य पद्धति के मानकों का विरोध किया उनसे मुक्त रहने का प्रयत्न किया इसीलिए इन कवियों ने मुखर होकर ठाकुर ने तो कहा ही। सीख लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन सीख लीनो यश और प्रताप को कहानो है सीख लिनो कल्प वृक्ष काम देनु चिंता मणि सीख लीनो मेरू और कुबेर गिरी आनो है ठाकुर कहती या की बड़ी बात कठिन बात याको नहीं भूल कहू बांधियत बानो है ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच कवित्त की वो खेल करी जानो है इस तरह हम देख सकते हैं कि वास्तव में ये कविता के मर्म को समझने वाले और समझाने वाले कवि हैं इसीलिए रीतिमुक्त काव्य को हम पूरे रीतिकाल में पूरे मध्यकाल में एक विशेष दृष्टि से विशेष सम्मान से देखने का प्रयत्न करते हैं क्योंकि इन्होंने किराए के आंसू अपनी कविता के माध्यम से नहीं बहाए इनका प्रेम अनुभूत वास्तविक उस वेदना को प्रकट करने वाला प्रेम है जिसका सामना इन्होंने किया है और विरह इनके प्रेम की कसौटी बनता है मित्रों इस विषय को यहाँ विराम देते हैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे आज्ञा दीजिए नमस्कार